चाचू, ये जादू मंतर नहीं ट्रैकर है। जैसे ही चोर आपके जूते चुरा के ले जाएगा, मुझे उसका ठिकाना इस मीटर पे पता चल जाएगा। ओए वाह भतीजे, तुसी ग्रेट हो। और छोटे से पॉकेट विच वड्डा सारा धमाका हो। ओए ला दे जूते। अरे जूते बिल्कुल नए हैं। आपको कितने दिन के लिए भाड़े पे चाहिए? एक दिन का भाड़ा 100 रुपया, लेकिन भाड़ा पहले देना होगा। ओके जी। मेरे भाड़े के बिजनेस की बोनी हो गई। यिप्पी यिप्पी या या, यिप्पी यिप्पी या, यिप्पी यिप्पी या, पी या आ। आ, ओए मेरे जूते कहाँ हैं? अभी तो यही थे। ओए चाचे भतीजे, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चोर को पकड़ो, मेरे जूते तिजोरी से चोरी हो गए। मेरा भाड़े का बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ओए भतीजे, ओ तूने मेरे जूते ऑफिस के बाहर निकलवाए थे, कहीं चोर ना ले जाए। चाचू, जानबूझ के निकलवाए थे ताकि चोरी हो जाए। देखो, पता चल गया ना कि चोर कहाँ जा रहा है। इसे कैसे पता? चोर को नहीं छोड़ूंगा, मेरे जूते लेकर रहूंगा। अब चप्पल चोर का पता चला है तो मुझे अपनी सहेलियों को तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, पर तुम किसी को मत बताना। जाओ जाओ। जे, वो ये तो चप्पल का पहाड़ बन गया है। इसका डंका और टोलकी को क्या फायदा? ये जरूर किसी और का प्लान है, अभी वो तीसरा आता ही होगा। बड़ी सही, कितनी देर कर दी आते आते। सेठ जी, अब शहर में कोई चप्पल नहीं बची है। आप फिर से चप्पल की कीमत बढ़ा दो और हमें भी माला माल कर दो। बात समझ में आई चाचू? हाँ भतीजा। अब ये पुरानी चप्पल रामगढ़ के चोर बाजार में बेचेंगे। हाँ, पैदल सेठ, यहाँ से निकल पाओगे तब ना। अरे क्या मुंह देख रहा है, साई पकड़ो नहीं उसे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा। बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। जिज्जे,